अपना वर्ल्ड श्रापित हो चुका है यार, बहुत ज्यादा डेंजरस सीन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं जब भी अपने वर्ल्ड के अंदर एंटर होता हूँ भाई, बारिश नहीं रुक रही। तो गाइस यहाँ पर बहुत टाइम यहाँ पर बिताने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ यार, नीचे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो एक बार क्यों ना नीचे खोद के देख लिया जाए कि नीचे है क्या, एक बार देखना तो चाहिए। भाई साहब, ये तो भाई एक रूम बना हुआ है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सोर्ड भाई। बट वो तो नेदरराइट की सोड होती है, इसे तोड़ देता हूँ। बट यार अगर सोड डिस्पॉन होगी भाई, मेरा पूरा नहीं आ गई भाई, हाथ में आ गई इंटेंटी 303 सोड। ये मैं कहाँ आ गया? अरे यार ये तो वही जगह है जहां से मैंने सोड ली थी। हाँ भाई ये वही जगह है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सोर्ड भाई, यहीं से मैंने सोर्ड ली थी यार। ओह शिट, एनटीटी 303 ने मुझे वापस यहीं पर टेलीपोर्ट कर दिया भाई। यू आर डेड नाउ, नो वन सेव यू। ओ भाई यार, यहाँ पर बोर्ड भी चेंज है यार, ये बोर्ड भी चेंज है। गिव मी सोर्ड बैक भाई, बोर्ड चेंज है यार। यहाँ पर एनटीटी 303 आई थिंक कहना चाहता कि मेरी सोड वापस कर दो, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा एंड तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बट यार ये तो अपने साथ गलत सीन हो गया यार, यहाँ पर अपने पास कोई भागने का ऑप्शन भी नहीं है और यहाँ पर ब्लॉक्स भी अलग अलग तरह के लगे हुए हैं भाई। वही जगह यार यहाँ से मैंने पिछली बार सोड ली थी, और मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर रैंडम टेलीपोर्ट हो, मतलब रैंडम यहाँ पर घूम रहा था और रैंडम मैं अचानक यहाँ पर आ गया और इस जगह पर आके मुझे सोड दिख गई यार। तो ऐसा करता हूँ यार, यहाँ पर ना एक बार ना सोड वापस रख के देखता हूँ। एक बार सोड से पहले मैं वाटर बकेट रख के देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर वाटर बकेट रख दी। ओ भाई यार, आप सभी ने देखा भाई साहब कितने जबरदस्त धक्का बजा यहाँ पर मुझे, मैं उस कॉर्नर पर से इस कॉर्नर पर आ गया। ओ शिट भाई शिट, बहुत ही ज़्यादा गलत सीन है यार। यहाँ पर भाई पूरा क्रश्ड हो चुका है यहाँ पर मेरा यहाँ पर वर्ल्ड पूरी एक तरह से, मेरा यहाँ पर वर्ल्ड का ओनर जो होता है वो होता है स्टीव, बट इस टाइम मेरे वर्ल्ड के ऊपर किसी और का राज चल रहा है, जो एनटीटी 303 जो मेरे से भाई मैं अचानक कहीं भी टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, मेरे पीछे आग लग गई भाई, रैंडम टेलीपोर्ट। देखा भाई, मैं वहाँ आपको कुछ बता रहा था और मैं टेलीपोर्ट हो गया, और यहाँ पर मेरे पीछे आग कैसे लग रही है भाई। सोड वापस करके मैं बच भी सकता हूँ, नहीं मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है एनटीटी 303 मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे सोड वापस कर देनी चाहिए। और यहाँ पर आई थिंक मुझे सोड वापस कर देनी चाहिए, नहीं तो एनटीटी 303 के हाथ से मरने से अच्छा है सोड वापस कर देते हैं यार। क्या करूँ, कर दूँ क्या नहीं करूँ गाइस, कमेंट्स में बताओ क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन हो रहा है। हीरोब्राइन भाई, हीरोब्राइन की कमी थी अभी, मेरा गेम हैंग हो चुकी है और ये हीरोब्राइन आके चले गया, और यहाँ पर एक बुक पड़ी है और आग लगी हुई है। पहले मैं आग को बुझा देता हूँ, एक सेकंड भाई, हीरोब्राइन की ही कमी थी यार, एनटीटी 303 ने पहले ही तंग किया हुआ, अब हीरोब्राइन भी आ गया, और मेरा गेम लैग कैसे हो गया था। और यहाँ पर बुक में कुछ लिखा हुआ है, रीड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार मैं एक कॉर्नर पर आ जाता हूँ पहले ना, फिर उसके बाद मैं रीड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर खड़के यहाँ पर रीड पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रॉम हीरोब्राइन, यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ सोर्ड, इफ़ यू रिटर्न इट यू आर डेड, आई फोट विद यू टू सेव दिस वर्ल्ड बट यू नीड टू हेल्प मी, आई होप यू हेल्प मी, दिस सोर्ड इज बिगेस्ट वेपन ऑफ एनटीटी 303, आई डोंट फाइट एनटीटी 303 सो आई नीड योर हेल्प, इफ़ यू हेल्प मी यू सेव योर वर्ल्ड एंड आई सेव माई लाइफ माई पावर्स। तो यहाँ पर हीरोब्राइन मुझे कहना चाहता है कि भाई तुम जिंदा हो सिर्फ और सिर्फ सोड के कारण, अगर तुम ये सोड वापस कर दोगे तो तुम मर जाओगे एंड मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूँ और तुम्हारे वर्ल्ड को सेव करने में तुम्हारी मदद करता हूँ, बट तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे, और ये सोड एनटीटी 303 का बिगेस्ट वेपन है एंड वो हीरोब्राइन लिख रहा है कि मैं एनटीटी 303 से अकेले फाइट नहीं कर सकता, तुम मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम अपना वर्ल्ड सेव कर सकते हो और मैं अपनी पावर सेव कर सकता हूँ। और मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, एंड यहाँ पर आई थिंक मुझे हीरोब्राइन की ही साथ देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बात ठीक है, अगर बाई चांस मैं उसकी सोड वापस कर दूँ और अभी तक मेरे पास सोड है तो मैं जिंदा हूँ,
अगर मैं 100 वापस कर दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो ये बात तो भी ठीक है। तो अभी जाना कहाँ है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं कहाँ पर आ गया, ये मैं कहाँ पर आ गया यार। यार ये तो भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, रैंडम टेलीपोर्ट। यहाँ पर देखो भाई मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर मैं रैंडम टेलीपोर्ट हो चुका हूँ और अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये मुझे हीरो ब्राइन ने टेलीपोर्ट किया क्या। अरे कौन है पीछे, अब ये लो पीछे पीछे ये क्या चीज़ है। अच्छा रूइन पोर्टल, भाई मैं डर गया, मुझे लगा फिर से कोई यहाँ पर एकदम कोई अजीब चीज़ है। अभी यार मुझे इतना नहीं पता लग रहा कि मुझे हीरो ब्राइन ने टेलीपोर्ट किया है क्या, मुझे एंटिटी 303 ने किया है। पास मेरे पास कोई टूल ही नहीं है भाई, मैंने यार नोटिस ही नहीं किया मेरे यहाँ पर डायमंड के आर्मर, डायमंड के टूल्स कहाँ गए। शिट यार भाई, मेरे पास ना ही मेरे डायमंड के टूल है ना ही मेरे डायमंड का आर्मर रहा मेरे पास, और मेरे पास इतना सारा सामान था और सारा क्या हीरो ब्राइन। अच्छा हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन भी यार धोखा करके अपने साथ, हीरो ब्राइन ने मेरा सब कुछ ले लिया। एक मिनट मैं इसको रीड करता हूँ। फ्रॉम हीरो ब्राइन, ओके यू हैव अ डे फ्रॉम टुमारो अ न्यू जर्नी हैज स्टार्ट। डेथ किल लीव, डेथ किल लीव ये क्या है। आई होप यू रेडी सी योर बैक, यू फाउंड अ चेस्ट इन विच यू गोट आर्मर। अच्छा तो यहाँ पर भाई हीरो ब्राइन मुझे कह रहा है ओके तुम्हारे पास एक दिन है और कल से तुम्हारी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी जिसका नाम है डेथ किल लीव, एंड अपने पीछे देखो तुम्हें एक चेस्ट मिलेगी जिसमें तुम्हारा आर्मर होगा। अच्छा मतलब कि टेलीपोर्ट करने के दौरान उसने मेरा आर्मर उतार लिया होगा कि मेरा आर्मर लॉस्ट ना हो। मतलब हीरो ब्राइन यार मेरी मदद करना चाहता है, बट हीरो ब्राइन में आई थिंक मेरी मदद करना चाहता है तो आई थिंक ना यार एंटी 303 से भी हीरो ब्राइन का ना पंगा चल रहा है, तो हीरो ब्राइन को मेरी मदद चाहिए। और भाई मैं ये काम करने कभी नहीं छोड़ता। और मेरा रिस्पॉन पॉइंट, अच्छा आई थिंक ना ये हीरो ब्राइन का वर्ल्ड है जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में यहाँ इस टाइम मेरा राज, मतलब मैं उसका दोस्त हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मेरा राज होगा क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ एंड मेरे पास भी सारी पावर है। तो मैं यहाँ पर मैंने डर्ट इकट्ठी कर लेता हूँ फटाफट से। और एक सेकेंड भाई मेरे पास सोर्ड थी ना, अच्छा अच्छा है भाई है, पर पहले जब मैंने खोला था तब नहीं थी मेरे पास। आई थिंक ना जब मैं, मुझे नहीं पता यार क्या चल रहा है, पहले मैंने खोली थी मुझे 100% श्योर है मेरे पास सोर्ड नहीं थी, बट आई डोंट नो अब कहाँ से आ गई। आई थिंक ना भाई ये रैंडम है कि सोर्ड अभी मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगी। टेलीपोर्ट के दौरान आई थिंक कोई ग्लिच के कारण ये रिमूव हो गई होगी। और चेस्ट पता नहीं भाई साहब कहाँ है, तो चेस्ट के लिए और तोड़ना पड़ेगा आई थिंक, मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, मुझे लगता है मुझे फिर से डर्ट इकट्ठी करनी। हीरो ब्राइन यार तुमने मुझे डर्ट इकट्ठी करने के लिए बुलाया, एक दो स्टैक दे दो भाई। ये पड़ी चेस्ट और मैं पता नहीं क्या क्या काम कर। ओ भाई नेदरराइट का आर्मर, इंचेंटिंग गोल्डन एप्पल, गोल्डन एम्पर, गोल्डन कैरेट, भाई क्या ही लूट पड़ी है। और फुल मैक्स आर्मर है इसमें, थोन्स वगैरह लगा हुआ, थोन्स 3 थोन्स पता नहीं कौन कौन से लगे हुए हैं भाई। ओ माय गॉड भाई कितने तगड़े आर्मर मिल गए, और इंचेंटिंग गोल्डन एप्पल, गोल्डन एम्पर और गोल्डन कैरेट। और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मुझे एक डे सर्वाइव करने के लिए मिला है, और हीरो ब्राइन मुझे इतना कुछ दे सकता है तो आप सोच सकते हो भाई हीरो ब्राइन कितना पावरफुल होगा। और एंटिटी 303 के सामने हीरो ब्राइन भी फीका है यार। यार मुझे यहाँ पर गलत सीन लग रहा है, तो यहाँ पर भाई मज़ा ही आ गया है। हीरो ब्राइन तो यार बढ़िया बंदा है, अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि हीरो ब्राइन के सामने, भाई हीरो ब्राइन के साथ तो हम जीत जाएंगे यार, पूरी पूरी उम्मीद है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं अपना वर्ल्ड भी खो सकता था क्योंकि मैं एंटिटी 303 के खिलाफ जा रहा था। बट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मेरे पास एक ऐसी सोर्ड थी जिससे मैं किसी को भी मार सकता हूँ एक शॉट में, इतने खतरनाक आर्मर थे कि कोई मुझे जल्दी से जल्दी मार नहीं सकता, मेरे पास एंचेंटिंग गोल्डन एप्पल थे। बट मैं भूल चुका था कि मेरे सामने एंटिटी 303 है जो हीरो ब्राइन का भी बाप है। टू बी कंटिन्यू।